वेलकम बैक टू द न्यू लेसन. अब है द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन. हमने पहले पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, इकट्ठे डेफिनेशन की थी, थोड़ी थोड़ी एग्जांपल की थी. अब हम अलग अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं. नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. द वर्ड थिंग is used to mean anything that we can think of. Think में कोई भी चीज हो सकती है जिसके मुताबिक हम सोच सकते हैं. Look at the following sentence. Ashoka was a wise king. The noun Ashoka refers to particular king, but the noun king might be applied to any other king as well as to Ashoka. We call Ashoka proper noun, like king common noun. Similarly, Sita is a pronoun, while girl is a common noun. अब उसके बाद हम ये देखते हैं द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज अ कॉमन टू ऑल गर्ल्स. सीता इज अ प्रॉपर नाम हो किसी का तो प्रॉपर नाउन होता है और तमाम लोगों को जाहिर कर रहा हो, कॉमन चीजों को जाहिर कर रहा हो तो कॉमन नाउन होता है. कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास. कॉमन इट मीन शेयर्ड बाय ऑल. प्रॉपर नाउन किस खास शख्स या चीज के नाम को कहते हैं. Proper noun are always written in a capital letter at the beginning. Proper nouns are sometimes used as common nouns, as he was Lukman, Lukman, wisest man. वो बड़ा अफलातून है, वो तो अपने दौर का अफलातून था, लुकमान था. कालिदास often called the Shakespeare of India. Common noun include what are called collective noun and abstract noun. अब collective noun क्या होता है? Collective noun is the name of a number, collection of a person or thing taken together and spoken of as one whole, as crowd, mob, team, flock, herd, wherever, a fleet, an army, crowd, the police, French, the jury, a herd. The collective noun jo ijtemai taur par cheezon ko zahir karta hai. Abstract noun is usually the name of a quality, action or a state considered apart from the object to which it belongs as quality, goodness, kindness, whiteness. Abstract noun jo quality ko, action ko, state ko zahir karta hai. The names of the arts and science, grammar, music, history are also abstract noun. Abstract noun form ki jate from adjectives, from verbs, from common nouns. Countable, uncountable भी हो सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है countable, जिनको नहीं गिना जा सकता uncountable. अभी exercise number 3 जो सी है grammar की, ये आपने फिर solve करनी है और assignment की सूरत में ये आपने साथ भिजवानी है. इसके साथ exercise number in composition 4, एक्सरसाइज इन कंक्लूजन नंबर 5 ये भी आपने करनी है. ये होम टास्क है, ये आपने करके आनी है. अब हम इसके एक और हिस्से की तरफ जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन. एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, ये आपको पैराग्राफ फोर्थ ईयर की बुक में से भी मिल जाएगा, कैप्टन साहब की फोर्थ ईयर की बुक, बीएससी की फोर्थ ईयर की बुक से भी. आप इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद एंड पे जो क्वेश्चन आंसर है वो फाइंड आउट करने हैं और उनके आंसर लिखने. जो मैं पहला पढ़ रहा हूं, पहले वेदर द सब्जेक्ट शुड बी टॉट इन इंग्लिश इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. तालीमी इदारों में सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाने चाहिए और थ्रू द मीडियम ऑफ आवर मदर टंग या उर्दू के जरिए. इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट डे. ये आजकल के दौर का सबसे अहम तरीन मसला है. दोज़ हू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन think that the subject taught in English are not properly understood by the students. कि जो subject English में पढ़ाए जाते हैं वो बच्चों को सही समझ में नहीं आते. When they are not able to understand a point properly, जब उन्हें एक point समझ ही नहीं आता, they are evidently unable to express it properly. तो वैसे बात है कि उसे सही तरीके से बयान भी नहीं कर सकते. When they are compelled to write the answers, जब उन्हें मजबूर किया जाता है जवाब लिखने में in English, they feel pain. उन्हें बड़ी तकलीफ होती है. Has they developed a sort of inferiority complex? और उनमें एहसास कमतरी पैदा हो जाता है.
दिस थिंग मार्स, ये चीज तबाह कर देती है। तो ग्रोथ ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर, उनकी दिमागी ताकत को, दानिश की ताकत को, एंड एज ए रिजल्ट देयर पर्सनैलिटी रिमेन्स अनडेवलप्ड और उनकी शख्सियत अधूरी रह जाती है। देयर इज अ प्रूफ ऑफ कंप्लीट फेलियर इन देयर लाइफ, वो अपनी जिंदगी में मुकम्मल नाकाम हो जाते हैं। बट दैट इज नॉट अ सेंसिबल वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का ये तरीका मुनासिब नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज नॉट सिंपली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट काउंट इन द एजुकेशनल अफेयर्स। ये जरिया तालीम नहीं है जो इंपॉर्टेंट है तालीम मामले में, वहां पर देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑफ माइंड। कुछ और चीजें भी हैं जिसको अपने ध्यान में रखने की जरूरत है। मोर ओवर उर्दू स्टिल इन अ स्टेज ऑफ इन्फेंसी। उर्दू को देखें तो अभी शीर ख्वारगी में, इट इज इम्पॉसिबल फॉर इट टू कम्पीट विद इंग्लिश एट दिस स्टेज। उर्दू का इस स्टेज पर इंग्लिश के साथ मुकाबला मुमकिन नहीं है। So we should wait till such a time when it becomes mature enough to absorb suitable equivalents of technical terms. हमें इंतजार करना चाहिए कि उर्दू इतनी मेच्योर हो जाए, पक्की हो जाए, पुख्ता हो जाए कि मुतरादिफात को अपने अंदर जज्ब कर सके, टेक्निकल टर्म्स को जज्ब कर सके। फॉर इट इज इंट्रोड्यूस एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, चेंज ऑफ कोर्स मस्ट बी देयर। तब्दीली यकीन है, बट इट मस्ट बी वेरी ग्रेजुअल वन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अब अपने एक्सरसाइज देखनी है, सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल, पूरे पैराग्राफ का मुनासिब टाइटल बताना हमने कि क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश वर्सेस उर्दू, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हमने इसका उन्वान बनाना है। व्हाट डू द पीपल अगेंस्ट इंग्लिश से, अब ये प्रेजेंट में है तो कुछ हिस्सा अपने सवाल में से लेना है। द पीपल अगेंस्ट इंग्लिश से, अब आगे जवाब शुरू करना, क्या डिफिकल्टी है उर्दू को चेंज करने में इंग्लिश में, तो समरी बनानी है। समरी का मतलब ये होगा कि आपने ये पैराग्राफ को वन थर्ड करना है। अगर पैराग्राफ के 150 वर्ड्स हैं तो आपने इसे समेट कर 150 से 50 वर्ड्स में लेकर आना है, ये आपने करना है। और ये अगला पैराग्राफ व्हेन वी कंसीडर साइंस वाला पैराग्राफ नंबर 4, ये भी आपका होमवर्क है, इसके भी क्वेश्चन आंसर आपने खुद ढूंढ के लेकर आने हैं। मैं जस्ट रीड आउट कर दूं, when we consider our recent decisions rising to power, we find ourselves forced to believe that we are at the very beginning of its work in transforming human life. Science ko dekhte hain to hum dekhte hain ki science ne tumhari zindagiyan badal di hain. What its future effect will be is a matter of conjecture. Conjecture kehte hain guess, andaaza. But possibly a study of its effects hitherto may make the conjecture a little less hazardous. Hazardous tabakun, khatarnak. Facts of science are of various, very different kinds. There are direct intellectual effects, the dispelling of many traditional beliefs, reject kar dena revived beliefs ko, adoption of others suggested by success of scientific method. Then there are effects on technique in industry and war. Chiefly as a consequence of new techniques, there are profound changes in social organization, which are gradually bringing about political changes. Finally, as a result of a new control over the environment, a new philosophy has grown up involving a changed conception of man's place in the universe. अब इसके क्वेश्चन आंसर है, टाइटल आपने सजेस्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, और पैसे आपने उसको समेट कर पूरे पैराग्राफ को वन थ्रेड में जितने वर्ड्स हैं उनको 3 पे तकसीम अगर कर दें तकरीबन पैसे आपकी मुकम्मल बन जाएगी। ये पैराग्राफ अब आपको कैप्टन की फोर्थ ईयर की बुक में, कैप्टन जाहिद साहब की फोर्थ ईयर की बुक में ये पैराग्राफ मिल जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ को पढ़ के इनके एंड पे जो क्वेश्चन आंसर है वो आपने लिख लेकर आने हैं और वो असाइनमेंट की शक्ल में चेक भी करवाना है। असाइनमेंट का बार बार हम आपको बता रहे हैं कि कंपल्सरी कंपोनेंट है, क्लास आपकी आगे पीछे होती रहेगी, लेकिन असाइनमेंट आपने 100% जो डेज आपको दिए जाएंगे फिजिकली साफ सुथरी असाइनमेंट शीट्स के ऊपर उसको सही तरीके से प्रेजेंट करके जो असाइनमेंट प्रेजेंटेशन होती है वो देनी है। और फिर हम इंशाल्लाह किसी वक्त आपकी जूम पर भी क्लास लेके आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि आपने क्या करना। अब हमारा ये लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पसीर होता है। यू आर सपोज टू नोट डाउन द होमवर्क एक्सरसाइज एंड एट द सेम टाइम you are supposed to write down the answer of the questions. ठीक है जी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। कोई चीज पूछनी हो तो आपके पास नंबर मौजूद है, आप नंबर से पूछ सकते हैं।
Thank you very much and see you again in next lecture. Allah Hafiz and good luck.